अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं राव हैदर ब्लॉग्स और मैं हूँ राव हैदर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट होंगे। यार माशाल्लाह से कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा और आज नौ मुहर्रम हराम है और नौ मुहर्रम की नियाज चल रही है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। आज नौ मुहर्रम है जी और नौ मुहर्रम को होती है हलीम की नियाज अल्हम्दुलिल्लाह। तो हलीम की नियाज की तैयारी शुरू हो गई है, मैंने कहा आज नियाज के पास बैठ के ही जो है वो ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे। ये माशाल्लाह से आप देख रहे हैं यार, इसमें चम्मच हलीम जो है, एक हलीम और एक खीर, ये थोड़ा ना दोनों चीज़ें लेंथी प्रोसेस होता है हलीम को, क्योंकि बाहर बिल्कुल हर वक्त जो है वो ऐसे 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 करना पड़ता है और खीर के साथ भी ऐसे ही करना पड़ता है, क्योंकि खीर का खर्चा होता है कि वो लग ना जाए और हलीम का पता नहीं क्या खर्चा होता है जिसकी वजह से ये पकाते हैं। मेरे ख्याल दालें वो नहीं होती हैं थोड़ी, तो इस वजह से इसको ऐसे किया जाता है। जी हलीम का नियाज तैयार करते हैं और फिर इंशाल्लाह जो भी आगे आगे होगा वो आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे हमारे साथ साथ। गर्मी क्योंकि है बहुत ज़्यादा, तो मैंने प्लान किया है कि घर वालों को भी पानी पिलाएं। ऐसा नहीं है कि बाहर वालों को सबील करवानी होती, घर वालों को भी सबील करवाना इन दिनों में सवाब की हामिल है। सो मैंने ये जग पकड़ लिया, मैं पीने लगा था शरबत खुल गया इसी के लिए, तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा सब गर्मी में काम कर रहे हैं तो चलो जग बना लेते हैं और लीमू पानी टाइप शरबत बनाते हैं तो वो फिर सबको पिलाते हैं, तो ये बनाते हैं आगे। यार ये लीमू ले आए हैं हम, लीमू डालेंगे इसमें और लीमू मेरा ख्याल है मैं कम लाया हूँ, लीमू और भी चाहिए होंगे। भाई लीमू काट के मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि केक हाथ से नहीं काट रहे यार लीमू, लीमू काट के मिलते हैं आप लोगों से। यार शरबत डालने का टाइम आ चुका है, तुम भी पियोगे शरबत? नहीं मैंने अभी नहीं पीना, दादा साहब करने लगे नहीं नाश्ता, तो इसलिए यार ये लीमू निचोड़ने का टाइम आ गया और लीमू मुझे इसमें डाल के जोड़ने में बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज पूरा प्रॉपर लीमू जो है ना वो निकल जाता है। हाथ से आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना वो उस तरीके से नहीं हो सकता जिस तरीके से इसमें होता है, तो इसमें जल्दी जल्दी से लीमू देख लेना आप कितनी जल्दी जल्दी से हो गए। दोबारा जी शरबत डन करते हैं और फिर पीते हुए आपको बताएँ। यार शरबत माशाल्लाह से रेडी हो गया और फुल ठंडा और मीठा और लीमू का टेस्ट माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने अभी नाश्ता नहीं किया हुआ, शरबत ही नाश्ता हो रहा है, ठीक है रदा, हालांकि मुझे कह रहा है उधर के आज नाश्ता कर लो, लेकिन अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर तक करेंगे नाश्ता और जब नाश्ता करेंगे आपको नाश्ता भी दिखा देंगे क्या नाश्ता कर रहे हैं। 1 minute later. यार हमने रदा को ही कहा था कि हमें भी स्लाइस लगा दो, तो सोचा नाश्ता नुश्ता कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि फिर बाद में जो है वो टाइम किस तरह का बनता है किस तरह का नहीं बनता अभी, तो क्योंकि हलीम बनना है तो फिर बांटने का सिलसिला शुरू हो जाना सबसे पहले और फिर सबसे पहले वो ख़त्म करना है, तो दैट्स व्हाई रदा से ही लगवा लिए थे, तो ये मैंने नाश्ता शुरू कर दिया हुआ था। मैं कहा चले आप लोगों को भी दिखा दूँ, ब्लू बैंड और स्लाइस खा रहे हैं हम लोग, आप लोग भी खा लें, खा के मिलते हैं आपसे। माशाल्लाह से जी हलीम में चिकन भी हमने डाल दिया है। A few moments later. यार हलीम तकरीबन रेडी हो चुका है और हम लोग भी रेडी हो चुके हैं, अब वो खीर वाले दिन वाला सिचुएशन सारी बननी है, रूम में रखेंगे हलीम का जो बड़ा वाला देचका है वो रखेंगे और सारे बाउल्स बनाएंगे जो बॉक्सेस बनाने हैं लोगों के घरों में देने के लिए वो बनाएंगे और वो सारा कुछ आप लोगों को फिर साथ साथ दिखाते हैं। चला से ये उतर के रूम में आ चुका हुआ है और ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि डलने का प्रोसीजर भी स्टार्ट हो गया बॉक्सेस में, तो अभी बॉक्सेस बनेंगे, उधर बाउल्स वगैरह छोटी पड़ी हैं वो बनेंगी, तो ये सारा ये सारा पड़ा हुआ है यार वो सामान डेकोरेशन का जो हम लोग गार्निश करके देते हैं, साथ में ये ब्राउन हुए प्याज है माशाल्लाह और ये लीमू, ये अदरक और ये धनिया, ये मिर्चें, धनिया पुदीना और मिर्चें, तो बहरहाल ये सब है जी और हलीम मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। ये वो ऑयल है जी जो तड़के के तौर पे हम लोग जो है वो लगाएंगे बाउल्स के ऊपर, उनके ऊपर हम ना गार्निशिंग जब करते हैं तभी ये तड़का लगाते हैं, तो बहरहाल ये भी आ गया हुआ है जी। ये उधर रख दो, ये वाला भी बड़ा बाउल भी पकड़ा दो। ये माशाल्लाह से जी जो लोगों के घरों में जाने हैं बाउल उनके बनने शुरू हो गए हैं, जो उस दिन भी आपने देखा कि मैं लेके गया था फिर बाइक पे जाके मैं और अदर बांट के आए थे, ये वही बन रहे हैं, तो बहरहाल ये तकिया हमने अपने टेक के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, इस पर टेक लगाएंगे साथ साथ। रजा भाई जो है हमें पकड़ा रहे हैं खड़े होके। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब दोस्त? ड्यूटी हो रही है मौला की? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे घर में जी अल्हम्दुलिल्लाह कोई छोटे बड़े वाले चक्कर नहीं है माशाल्लाह, सब मौला की ड्यूटी, जो हस्बे तो फीक जिससे मतलब जितना भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है इंक्लूडिंग रजा, मतलब सारा कुछ काम, ये जिस ये बॉक्स बन रहे हैं तो मैं तो बैठ गया, ये मैं रखी जा रहा हूँ यहाँ पे साफ कर करके, रजा ऊपर से मुझे पकड़ाता जा रहा है, अम्मा डाल रही हैं इसको, मकसद है कहने का कि ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं और मेरा मैं समझता हूँ यही स्पिरिट होना चाहिए, क्योंकि ये मौला की ड्यूटी है, कोई काम नहीं है दुनियावी, ये मौला की ड्यूटी और इसका अजर मौला से मिलना है, तो इमाम हुसैन अलैहि सलाम की ड्यूटियाँ कबूल करेंगे।
ये जो वो तरी मैंने आप लोगों को बताई थी यार, ये वो डालने का प्रोसीजर जो है ना, और ये गिरा भी दिया है। ये माशाल्लाह से जो ब्राउन ऑनियन थे ना जी, हमने जो फ्राई करके ऑनियन रखे थे, वो हम लोग डाल रहे हैं इनके ऊपर। धनिया पुदीना वगैरह, ये है पुदीना और ये है धनिया, तो मैं समझा शायद कट्ठा ही है। तो अब ये डालने का टाइम आ चुका है। ये गार्निशिंग हम लोग लाजमी करके देते हैं। मैंने आप लोगों को बताया हुआ ना पहले भी व्लॉग में अपने, कि हमारे घर तो सादा खाना जो घर पे हम खाते हैं ना, वो भी गार्निश होके मिलता है। और जो कहीं बाहर भेजना है या कहीं मेहमानों के यहाँ पर रखना है, वो तो डेफिनेटली फिर है ना, फिर एक अच्छे अंदाज में। या आपके अपना शौक की बात ही होती है कि आपने किस तरीके से शौक करना है इमाम अली मकाम का, और किस तरीके से आपने अपनी नियाज को करना है। क्योंकि हमारे घर पर नॉर्मली गेस्ट आता है तो हम उसके लिए कितनी गार्निशिंग या कितना सजाते हैं, तो ये जो इमाम की बारगाह में पेश करना है तो उसको क्यों ना इसका डेकोरेट करके और अच्छे से गार्निश करके जो है वो लोगों को दिया जाए। तो बहरहाल ये कम्प्लीट करते हैं जल्दी से, और फिर उसके बाद ये सब भी डालते हैं। यार माशाल्लाह से ये जो जो मोहल्ले में बांटने वाले हैं ना, वो छोटे बाउल्स माशाल्लाह से वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं। ये रोज़ा लेके जाएगा और जाके सारा कुछ करके आएगा। माशाल्लाह जी ये कप्स रखते जा रहे हैं। अच्छा एक और बात बताऊँ, रज़ा जो है वो घरों में बांटने गया हुआ है, रज़ा घर पे नहीं है, रज़ा बाहर गया हुआ है घरों में बांटने। हमने सोचा तब तक ये वाला काम कंप्लीट करेंगे, अगर आके बैठा हुआ ड्राइंग रूम में उसके साथ जाके उसी दिन की तरह, फिर वाले दिन की तरह जाके बांट के आएंगे दूर दूर घरों में। फिर उसके बाद ये जो छोटे कप्स हैं ये भी जो है वो बांटने हैं। तो बस ये दुआ है और अबन पाक ये नियाज भी कबूल करें और सबको तौफीक दें कि इमाम की नियाज जो है वो सजाई जाए और इमाम की नियाज जो है वो बांटी जाए। आमीन सुमा आमीन। ये सारा जो ऐसा पड़ा हुआ वो जो दूर दराज वाला दराज थक बहुत गए भी, जिससे कि भी अल्फाज निकल रहे हैं ना, इनको कबूल करें, क्योंकि ये चार दिन की नियाज का सेटअप जो है वो थकाता है थोड़ा, क्योंकि कल भी माशाल्लाह जैसा आप जानते हैं सबीर का सारा सिस्टम था, और वो भी ब्लॉग आप लोगों ने देखा है। माशाल्लाह से जी ये बॉक्सेस जो डिस्पोजेबल वाले हैं ये भी रेडी हो चुके हैं, और वो जो शीशे की बाउल्स बनाई थी रज़ा वो बांट रहा है माशाल्लाह से। वो जो महल्ले में हमारे ये उनके लक्कर लोगों का बड़ा मसला होता है, तो वो जनाब रज़ा साहब बांट रहे हैं, और बॉक्सेस बनाए हुए वो भी आप लोगों ने देखे हैं। ये वाले जो हैं डिस्पोजेबल वाले, ये दो चीज़ों के लिए होते हैं, एक तो जो हमारे मोहल्ले में जो दुकानें शुकानें होती हैं उन पर देते हैं हम, और दूसरा क्योंकि वो फिर अगर बर्तन देना तो वो, मैंने जैसा बताया कि लास्ट टाइम में हमारी काफ़ी शीशे की बाउल जो है वो टूट गई थी, और दूसरा जो रोड साइड लोग बैठे होते हैं उनको ये हम नियाज देते हैं ताकि वो भी ये नियाज खाएं। तो बहरहाल ये बॉक्सेस बहरहाल डिस्पोजेबल वाले ये रेडी हो गए। एक डिश बाहर चली गई है, एक डिश ये है माशाल्लाह से, तो इसको भी डन करते हैं, इसको भी भेजते हैं बाहर, और ये फिर बाहर पड़े होंगे वहाँ से उठा उठा के लेते जाएंगे हम लोग, फिर निकल जाएंगे वो बॉक्सेस लोगों के घर में देने दूर जहाँ पे जाना है। दो ही सेट रह गए हैं लास्ट, तो इन दोनों लास्ट पे भी जल्दी जल्दी से लगा देते हैं। अच्छा इनके दो मसले होते हैं डिस्पोजेबल वालों के ना, एक तो ये खोलना बहुत इशू होता है क्योंकि ये दो दो कट्ठे बांसे हुए होते हैं, और वो बहुत इस तरीके से नफासत से कट्ठे हुए होते हैं कि आप पकड़ भी नहीं सकते ये कट्ठे। ये जी माशाल्लाह से डन हो गया काम। यार ये सारी चीज़ें ना, मतलब ये बने बनाए बॉक्सेस बाहर से भी बंदा मंगवा सकता है, हलीम बना बनाया मंगवा सकता है, खीर बनी बनाई मंगवा सकता है, लेकिन हम लोग शौक से एक एक चीज़ एक एक काम न्याज का खुद अपने हाथों से और घर पे करते हैं। इवन बच्चे आ जाते हैं ना, अदर वगैरह भी आते हैं या कोई भी आए इस तरह हेल्प के लिए, तो हम लोग जैसे आपने सबील वाले ब्लॉग में भी देखा काफ़ी लोग खड़े हैं, लेकिन सारा काम मैं और रज़ा खुद ही कर रहे थे। हम शौक करते हैं इस चीज़ का कि ये नौकरी हम लोग खुद अपने हाथों से पेश करें, तो इसीलिए ये बॉक्सेस भी एक एक चीज़ हम लोग खुद अपने हाथ से ही करते हैं। यार हम लोग आ चुके हैं, बैग पहन के रेडी हो गए। ये अज़र साहब हैं। हाँ भाई अज़र तैयारी है? जी तैयारी है। निकले अब दूर दराज, अब निकल जाएंगे जी हम दूर दराज, और वहाँ जाके बांट के आएंगे ये वाले बॉक्सेस, ये बॉक्सेस बांट के आएंगे, और चलते हैं जी आ जाएं। चल भी उठ जा लड़के, उठ जा उठ जा, फटाफट उठ जा। ओए अच्छा जी यहाँ ये कौन सा बंदा है? धमाका धमाका, कैमरे की आंख देख रही है। हाँ भी रजा, क्या सिचुएशन है? मौला की नियाज बांट के आ रहे हैं, मैं सब तो पूछ कितने के पड़े हैं अभी? मेहनत मजदूरी अभी काफी पड़े हैं काफी पड़े हैं यार, ये कौन सी मेहनत मजदूरी है मुझे बताना जरा। मौला जो ड्यूटी हमसे ले रहे हैं, मौला की ड्यूटी है जी, ये मेहनत मजदूरी नहीं, मौला की ड्यूटी है, और ये करने में सबको एक खुशी होती है, ऐसे ही है। इसको अभी काफी बाकी टाइम लग जाना, पिछली दफा भी खीर वाले दिन भी ना हम लोग बांट बूंट के वापस आ गए सारे डब्बे डूबे, तो ये भी बाहर ही था, जब मतलब मैं घर पहुंचा ना तो ये बेचारा कहीं बाहर ही था, क्योंकि पूरे महीने में हमें देना होता है, ये नहीं देखना होता कि कोई जानने वाला है घर के नहीं जाने वाला,
जितना मतलब पूरे मोहल्ले में जितने घर हैं ना सबको देना होता है माशाल्लाह। ऐसा ही हो रहा है, तो नहीं हो रहा डन पहुंचे आप अल्लाह खैर ले जी। इधर भाई उठा लिया लाइटें और पंखे बंद करके आए इधर। हाँ लाइट और पंखे भी तो बंद करना जरूरी होते हैं ना यार, बिजली के बिल इतने इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत महंगी है। वो मैं उधर एक जोक सुन रहा था, वो कहता है जी वो 300 फ्री यूनिट कहते रहे और हम 300 फ्री यूनिट समझते रहे। तो ऐसा कुछ सीन हुआ भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और बिजली भी बहुत ज़्यादा महंगी है, तो पंखे शंखे जब निकलो कमरे से लाइट पंखे बंद कर देने चाहिए। यार जाते हुए रुके थे बीच में क्योंकि स्लाइस ही खाए हुए थे, तो मैंने तो खा लिया समोसा क्योंकि मैं ज़रा जल्दी खाता हूँ, ये खा रहा भी स्लो स्लो। तो ये हाँ भाई सही था समोसा, कितने नंबर है 10 में से 10 में से 9.5 नंबर दिए हैं वो भाई ने, मारने आ जाना कि आधा नंबर क्यों काटा है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा समोसा जी। तो बहरहाल अब चलते हैं और तकसीम करते हैं यार, आ जाएँ यार। माशाल्लाह पहले घर पहुँच चुके हैं अदर भाई, नीचे वाला बॉक्स निकाल रहे हैं ग्रीन रंग का, ऊपर वाला मुझे पकड़ा होगा। चलो अब निकालो, ओह माय गॉड ये उस दिन वाले घर आए हैं जी, तो इनको तो पकड़ाते हैं। अच्छा मैं सारे नहीं आज बनाऊँगा, तो वो ये है कि ये वाला बॉक्स पकड़ाते हैं इनको और पकड़ा के फिर चलते हैं, आ जाए मेरे साथ। Much later. हाँ भाई लड़के पकड़ लेगा, ये घिर तो नहीं जाएंगे? नहीं, ये देखे जी अभी खीर की नियाज की ढूटियाँ भी कुछ लोगों की रहती थी, वो उनको अभी हलीम के साथ ही देने जा रहे हैं, बाकी ये हलीम के डब्बे हैं। हाँ जी अदर साहब चलें यार, बस अब ये निकलने लगेंगे, इसको शॉपर में डलवा लिया क्योंकि ये ऐसे ही थे। हाँ जी रजा भाई, हाँ जी कैसे तो बट रहे अभी तक? चलो बांटो 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 जी बांटो, ये जा रहा है जी रजा। चलो यार हम भी निकलते हैं, पहुँचते हैं चलते जहाँ से पकड़ के बैठी भाई, तूने कहा कि ये पकड़ लेगा तो सारा कुछ पकड़ लेगा। चलें जी। 2000 years later यार अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस टाइम मौजूद हूँ अपने ऑफिस के अंदर और ये ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। उसकी वजह ये है भाई कि गर्मी थी बहुत ज़्यादा और अब बस हो चुकी हुई थी। हाँ भाई इधर भाई कैसा है? ओके यार अब सीन कुछ यूँ है कि ऑफिस इसलिए आया हूँ, वैसे तो 9-10 थी छुट्टी लेकिन ऑफिस इसलिए आया हूँ कि काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग था और मैंने बड़ी मुश्किल से कल तक वैसे कोशिश की थी कि वाइंड अप हो जाए लेकिन मेरे जहन से निकल गया था 2 डिज़ाइन मुझे आज भी देने हैं, तो भाई अब उन 2 डिज़ाइन को डन करेंगे। इसको मैंने कहा कि भाई जब तक मेरे डिज़ाइन डन नहीं होते तुम्हें छुट्टी नहीं है, तुमने इधर ही बैठना मेरे पास ताकि मैं बोर ना हूँ। आधे घंटे में ना आपके भाई ने क्यों छुट्टियाँ बजा के डिज़ाइन बना लेने, ये कंप्यूटर ऑन मैंने कर लिया है ठीक है, अब मैं जो है वो डिज़ाइंस बनाऊंगा और डिज़ाइन डन करके तो फिर मैं ऊपर जाऊंगा। मैंने वो जो नाश्ता किया था ना समोसा 2 स्लाइस और वो 1 समोसा, तो मुझे वही नाश्ता मैंने किया हुआ है, रात हो चुकी है, ये बज रहे हैं इस टाइम पूरे 9 आपके सामने, मैं 4 बजे का निकला हूँ और 9 बज चुके हैं माशाल्लाह, इतनी देर बांटा है, बड़ी बड़ी दूर जाके बांट के आया हूँ, उस्लामाबाद में रहता हूँ तो वो MU कॉलेज की साइड पे सेक्रेटरी की साइड पे और पता नहीं कहाँ कहाँ बस गए हैं, बस मत पूछें कहाँ कहाँ गए, मत पूछें क्यों भाई ऐसा ही है, मत पूछें कहाँ कहाँ गए हैं, बड़ी बड़ी दूर जाके माशाल्लाह बांट के आए हैं आज, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि फिर जाहिर है मैंने ये बनाना है तो ऊपर चले जाना है, तो जिसने चैनल को भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दे और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।